हाँ सर, आपका नाम क्या है सर? अनुज कुमार सिंह। अच्छा अनुज सर, ये बताइए विकास का पैमाना क्या है? विकास का पैमाना जैसे कि जो है हमारा देश अगर सुरक्षित रहेगा तभी विकास हो सकता है। अगर देश सुरक्षित ही नहीं रहेगा तो हम विकास कहीं से नहीं कर पाएंगे और सुरक्षित भी नहीं रहेंगे। अच्छा तो अब ये क्या मानते हैं, हमारा देश सुरक्षित है कि असुरक्षित है? सुरक्षित है। अच्छा किसकी वजह से? मोदी के वजह से। मोदी अगर जो है कोई एक काम जो है मतलब वहाँ से एक होता है तो उसका 10 गुना जो है बदला लेने के लिए तैयार शख्स रहता है आदमी जो है मतलब हमारे यहाँ से कि तुरंत जो है उसका परिणाम निकालता है। अच्छा जैसे कि अभी क्या प्रमाण निकाला? जैसे कि ये भी कौन सा उस वो हुए थे जो पायलट, क्या नाम था, पीओके में जो किया था? हाँ हाँ। अच्छा। तो उस पर जो है उनको बकायदा लाया जो है सुरक्षित जो है निकाल करके, किसी को अनुमान नहीं था कि सुरक्षित निकल पाएंगे। अच्छा अच्छा ये बताइए, पहला क्वेश्चन ये है कि जो इन्होंने कहा था कि मैं 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा और अपना बुलेट ट्रेन कर रहा था, तो वो कहाँ है सर? स्मार्ट सिटी जो बनाने के लिए कहा था तो पहले तो 5 साल में जो है इनको समय चाहिए जो है, 5 साल में किसी को कुछ समझने में टाइम लगता है। अच्छा हाँ, तो समझने में जब हम कुछ समझेंगे तभी अगले विकास में जो है कि इस 5 साल में जब आने पर ही विकास होगा जो है, कुछ समझने में टाइम लगता। अच्छा ठीक है, समझने में आपको टाइम लगेगा। और इन्होंने ये भी कहा था कि हर जितना भी बेरोजगार व्यक्ति है उसके अकाउंट में 10 से 15 लाख रुपये आएगा, क्या वो अभी आया? नहीं, अभी तो ऐसा जो है कि हमने नहीं देखा है। हालांकि हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं तो सरकारी कर्मचारियों के अकाउंट में तो आना नहीं है, तो इससे हम अवगत नहीं है कि किसको मिला किसको नहीं मिला। नहीं नहीं, तो जो ये वादे कर रहे हैं उन वादे पे पूरे हुए हैं अभी? जो अपनी शर्तें रखे कि मैं अपनी 100 स्मार्ट सिटी बनाऊंगा, जितना भी बेरोजगार व्यक्ति है सबके हर अकाउंट में 10 से 15 लाख रुपये जाएगा, तो वो कहाँ गया, मुझे दिखे तो? अब वो तो हमको भी नहीं दिखा ना कोई कहा, लेकिन जो है जैसे गृहिणी लोग हैं बहुत खुश हैं कि हमें गैस चूल्हा मिला। हाँ गैस चूल्हा, गैस सिलेंडर मिला, मकान तो, जो है तो गैस चूल्हा अगर मिला है सर तो उसमें मैं देखिए उसमें अपना सब्सिडी भी तो बढ़ा दी गई है। अब सब्सिडी तो बढ़ाई गई है लेकिन फिर भी जो है जिसको जो है नहीं उम्मीद है उसको मिला, एक हौसला उसका बुलंद हुआ, उसका बढ़ा जो है हौसला बढ़ा कि हाँ इनके उससे मिला। अच्छा अच्छा, आपके हिसाब से देश का प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? हमारे हिसाब से मोदी ही होना चाहिए। अच्छा राहुल क्यों नहीं? अब इसको जो है कि हम बता नहीं पाएंगे, कहने का मतलब है जैसे कि जो है कोई कहता है कि गुड़ बोया जाए, गुड़ की खेती किया जाए, जिसको यही नहीं मालूम है कि जो है मतलब गुड़ कहाँ से होता है। पहले ईख बोई जाती है तो गुड़ तो डायरेक्ट बोया नहीं जाता है, उसको समझना पड़ेगा, उसको विश्वास दिलाना पड़ेगा। अच्छा, अच्छा। हाँ सर, आपका गुड नेम सर? रामविलास। अच्छा रामविलास सर, देश का विकास सर क्या है हमारा? देश का विकास क्या है? देश का विकास भैया क्या बताएं हम क्या बताएं देश का विकास, मतलब देश का विकास के हिसाब से कि मोदी जो हमारे जो अपने देश में काम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं? अब वो तो अपने हिसाब से सही कर रहे हैं ना। अच्छा, इन्होंने कहा था जो हर व्यक्ति को 10 से 15 लाख रुपए अकाउंट में आएगा जो बेरोजगार हैं, और 100 स्मार्ट सिटी बनाने को इन्होंने वादे किए थे, तो वो सब वादे कहाँ गए? वादे तो नहीं पूरे हुए। नहीं हुए ना, तो वही मैं कह रहा हूँ कि आप किसको प्रधानमंत्री चुनना चाहेंगे? अब ये जनता तय करेगी। नहीं, जनता आप ही तो है हमारी, आप ही तो वोट देने जाएंगे। आप अबकी बार किसको वोट देंगे? जब वोट देने जाएंगे तो वहाँ पे किसको वोट देंगे? अब ये हम खुल के नहीं बता सकते, हम सरकारी कर्मचारी हैं। अच्छा सरकारी कर्मचारी, तब भी वैसे आपके हिसाब से कौन ज्यादा अच्छा काम करेगा, राहुल गांधी जी या नरेंद्र मोदी जी? अब ये जनता फैसला करेगी। जनता आप ही तो, तभी तो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, आप यस या नो में एक बताइए कौन बढ़िया काम करेगा आपके हिसाब से, राहुल गांधी जी या नरेंद्र मोदी जी? बताने में कोई दिक्कत नहीं है, तो चैनल है जो है। नहीं देखिए ऐसा है, अब ये जनता जनता अपना फैसला देगी। जनता वोट देगी, जनता पढ़ी लिखी है, समझदार है। आप किसको वोट देंगे? हम तो गठबंधन वोट देंगे। अच्छा गठबंधन में किसको? जो हमारे यहाँ खड़ा होगा गठबंधन, सपा या बसपा? तो गठबंधन में जिसका भी आएगा। अच्छा जिसका भी आएगा। चलिए, गुड नेम आपका? रामविलास। रामविलास, चलिए आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। वैसे हमारे देश का प्रधानमंत्री कौन बनेगा जाते जाते? अब की बार देखिए ऐसा है, परिवर्तन होना है, सत्ता परिवर्तन होना है। एक्सक्यूज मी सर, सत्ता परिवर्तन होना है। ओके ओके, चलिए इतना मैं जानता हूँ। ओके ओके, चलिए थैंक यू। हाँ सर। अच्छा नहीं बोल पाए, ठीक है। कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें। रोजाना ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।